सुशांत सिंह राजपूत ने मरने के बाद भी बना दिया है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। क्या है ये रिकॉर्ड और किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम सब जानते हैं कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर को जिस किसी ने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई भी इस ट्रेलर को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाया। कुछ इस तरह से इस ट्रेलर में सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया गया है और उनका वो डायलॉग वाकई में उनकी जिंदगी से काफी मैच होता है। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इस डायलॉग से मानो सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी और उनकी वायरल वीडियोस जैसे हमारे सामने आ गई हो। इस ट्रेलर पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्ट किया और कई सेलिब्रिटीज ने सुशांत सिंह राजपूत की इस आखिरी फिल्म को अपना इंस्टाग्राम स्टेटस भी बनाया, जिसमें से कुछ एक्टर्स का नाम मैं आपको बताऊं तो प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, कृति सेनन, इन सभी एक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देते हुए उनके इस ट्रेलर को अपनी इंस्टा स्टोरीज बनाई, अपने ट्विटर सेक्शन में शेयर किया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की इस आखिरी फिल्म के ट्रेलर का इंतजार सिर्फ उनके दोस्तों को या उनकी फैमिलीज को ही नहीं था, बल्कि उनके फैंस को था, सभी जनता को था। यही कारण था कि इस ट्रेलर को एक ही घंटे में 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे। और अगर बात करें 24 घंटों में लाइक्स की, तो इस ट्रेलर ने 24 घंटों में 4 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स कमा लिए थे, यानी कि ये किसी भी ट्रेलर से ऊपर है। अब तक हॉलीवुड या बॉलीवुड किसी भी फिल्म के ट्रेलर को इस तरह से लाइक्स नहीं मिले हैं। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर लाइक्स के मामले में एक बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये आखिरी वो ट्रेलर था जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलने का रिकॉर्ड है 24 आवर्स में। इसके ट्रेलर को मिले थे 3.6 मिलियन लाइक्स। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को 24 घंटों में 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है यूट्यूब पर। तो कुछ इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी फिल्म है, लोगों ने लाइक्स के रूप में सुशांत सिंह राजपूत को इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया है। सभी चाहते थे कि इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया जाए, लेकिन कोविड-19 के चलते ये मुमकिन नहीं था, थिएटर्स बंद है। इसीलिए अब इस फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमें दिखाई देगी संजना सांगी, जिनसे हाल ही में मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ की थी। आपको बता दें कि ये फिल्म फाइनली 2 सालों बाद रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कई चेंजेस आए थे, बीच में ये फिल्म बनते बनते रुक भी गई थी, बट फाइनली अब सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी फिल्म रिलीज हो रही है, जिसमें हमें एक बार फिर से हमारे ये चमकते सितारे, जो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन हमेशा अपनी यादों के रूप में हमारे बीच रहेंगे, उन्हें देखने का मौका मिलेगा। जहां पूरी इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत के इस ट्रेलर पर रिएक्ट किया है, उन्हें याद किया है और कहा है कि ये फिल्म ज़रूर देखेंगे, वहीं सवाल उठता है बॉलीवुड के उन एक्टर्स पर जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल चुप है। इनमें से कई एक्टर्स वो हैं जो इस वक्त नफरत का शिकार हो रहे हैं, जिन पर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, करण जौहर, इन सभी में से किसी ने भी इस ट्रेलर पर रिएक्ट नहीं किया है। वहीं अगर बात करें कुछ एक्सेप्शंस की, तो श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत के इस ट्रेलर पर रिएक्ट किया है और इस ट्रेलर को अपनी इंस्टा स्टोरीज पर शेयर किया है।